मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से पूरे देश में नागरिकता संशोधन बिल कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी तरह से बिहार की राजधानी पटना में भी विरोध प्रदर्शन हुआ और इस विरोध प्रदर्शन में कन्हैया कुमार भी शामिल थे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या आप नागरिक हैं देश के, और कोई बाबू आकर के कहे कि आप अपने दादाजी के दादाजी का नाम बताइए, बताइए क्या नाम है, बताइए क्या नाम है, दिखाइए कागज। चलिए मैं देखो गया ना, आप उसमें क्या होगा, सुनिए आप उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट का क्या प्रॉब्लम है समझिए। मेरे सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी का नाम JAI है और मेरे भाई के डॉक्यूमेंट में मेरे पिताजी का नाम JAY है, लेकिन पिताजी तो एक ही हैं, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग अलग है। इसके आधार पे आप किसी को बाहर नहीं कर देंगे। आप देखिए कि करोड़ों रुपया खर्च करके, 1600 करोड़ रुपया खर्च करके आसाम में फाइनल NRC की लिस्ट लाई गई। नतीजा क्या हुआ कि 19 लाख में से 15 लाख जो है वो गैर मुस्लिम उसमें आए हैं, और वैसे वैसे लोगों का नाम है जो देश की आर्मी में काम करते हैं, जो देश के राष्ट्रपति रहे, उनके परिवार का नाम गायब कर दिया गया। किस आधार पे? डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो जो देश के गरीब लोग हैं, जो उनके रोजी रोटी का सवाल है, जो शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है, उस सवाल से गुमराह करके आज डॉक्यूमेंट के आधार पे कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है उसमें देश की सरकार लोगों को उलझा देना चाहती है। सरकार अभी CA लेकर के आई है, बाद में NRC लाएगी, NPR करेगी, और उसमें मूल उद्देश्य ये है कि आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है। ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, इस देश के जो सारे गरीब लोग हैं डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम उनके साथ होता है। आप देख लीजिए जो दलित महादलित समुदाय हैं, उनके पास खाता खेसरा नहीं होता है, जमीन का कागज नहीं होता है, क्योंकि वो भूमिहीन लोग होते हैं। जो माइग्रेंट लोग लेबर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई कहीं और होती है, काम करने के लिए कहीं और जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत होगी। इस देश के जो अनपढ़ लोग हैं उनको इसमें परेशानी हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट के आधार पर देश में लोगों की नागरिकता नहीं ठीक तय की जा सकती। देखिए सरकार इस पूरे के पूरे मामले पे पेट्रोल डाल करके आग लगाई है। यह देश अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये कानून CAA और आगे NRC और NPR सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश में विभाजन पैदा किया जा सके। देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, एक देश विरोधी कानून बनाए हैं, और ये चाहते हैं कि देश सांप्रदायिकता की आग में जले, ये सरकार चाहती है, और उस आग के धुएं के पीछे ये अपनी नाकामयाबी को छुपा सके, गिरती अर्थव्यवस्था को छुपा सके, 2 करोड़ नौकरी देने के सवाल को छुपा सके, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने के सवाल को छुपा सके। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो बोलते हैं, जिसको कहते हैं कथनी और करनी, उसमें अगर फर्क होता तो लोगों को अपना घर बार काम काज पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी छोड़ के सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। नोटबंदी के वक्त में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगी, नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। करोड़ों लोग लाइन में लग गए इस उम्मीद में कि काला धन वापस आएगा। आया वापस, किसके खाते में 15 लाख पहुंचाया गया? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाते हैं, देश के जनता की मन की बात नहीं करते हैं, इसीलिए आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। नागरिकता देने का सवाल नहीं है, सुन लीजिए, नागरिकता देने का सवाल नहीं है, नागरिकता देने के सवाल का कोई विरोध नहीं है। देश में जो रह रहे लोग हैं उन नागरिकों को परेशान करने का सवाल है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। आपका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, आपको डॉक्यूमेंट देकर के ये साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। और डॉक्यूमेंट की हालत ये है कि 40% से ज्यादा लोग जो है इस देश में जिनके पास वोटर ID है उनका नाम रहता है और फोटो उनके पिताजी का होता है, पति का नाम होता है, पत्नी का फोटो रहता है। गरीब लोगों को एक बार फिर से लाइन में खड़ा करके उसको परेशान करना चाहते हैं। और इस सब चीज के बीच, इस पूरे बहस के बीच, कहते हैं ना कि सांप्रदायिकता की जो आग लगाई गई है उसके धुएं के पीछे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को छुपाने का प्रयास। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।